नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। सबसे पहले सिल्क टीवी के सभी दर्शकों को रंगों का त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पहुंचे मंत्री चौबे ने ऑपरेशन शिविर का किया निरीक्षण, कहा कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार है गंभीर। भागलपुर दुर्गावाड़ी शताब्दी द्वार का जिलाधिकारी ने किया शिलान्यास, कहा देवी की महिमा से हैं प्रभावित। होली को लेकर अंग प्रदेश के लोगों में दिख रहा है खासा उत्साह, होलिका दहन के पूर्व महिलाओं ने की परिक्रमा। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से मित्र वसंत गोष्ठी का हुआ आयोजन, देश के विभिन्न राज्यों से आए कवियों ने लोगों को खूब गुदगुदाया। और दो दिवसीय वेटरन्स क्रिकेट कप टूर्नामेंट में लाला अमरनाथ की टीम ने खिताब पर जमाया कब्जा, पूर्व क्रिकेटरों ने युवाओं का बढ़ाया मनोबल। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सोमवार को भागलपुर के मोती मातृ सेवा सदन में चल रहे शिविर का निरीक्षण किया। मंत्री अश्विनी चौबे ने भागलपुर में रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट के सौजन्य से चल रहे मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का घूम घूम कर जायजा लिया और 25,000 मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन होने पर प्रशंसा जाहिर की। इसके पूर्व मंत्री चौबे, भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे और ट्रस्ट के परवीन भाई वसानी का माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। वहीं मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि जल्द ही भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में विशेष शिविर लगाकर सभी मरीजों की स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी, साथ ही चश्मा का भी वितरण किया जाएगा। इधर भाजपा नेता सह कार्यक्रम सहयोगी अर्जित शाश्वत चौबे ने डॉक्टरों की टीम को बधाई दी, साथ ही कहा कि शिविर में 18 जिले के मरीज समेत नेपाल से आए मरीजों का भी सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार, अल्तमस बिहारी, असीम वारसी, चंदन ठाकुर, सरिता समेत कई लोग मौजूद थे। भारत में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश में अब तक 2 दर्जन से अधिक लोग वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इधर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सोमवार को भागलपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि देश के नागरिकों को कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा कि वातावरण को स्वच्छ रखें, कोरोना खुद समाप्त हो जाएगा। वहीं जिला अतिथि गृह में भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे ने कहा कि भागलपुर में अब तक कोरोना वायरस के एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही अर्जित ने कहा कि कोरोना को लेकर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हम भारत में बहुत ज्यादा जो ऐसे कोई आक्रांत नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर बीमारी हुई है, कुछ लोग उससे आक्रांत हुए हैं, निगेटिव के लिए टेस्ट के लिए उनको वो भी किया जा रहा है, उनका कोरोना वायरस नहीं है। जिनका पॉजिटिव आता है उनकी इलाज आइसोलेशन वार्ड में करके और अलग से रख करके उनकी व्यवस्था करते हैं, इसलिए चिंता नहीं करना है और ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है और हवा में अचानक नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, इससे भयभीत मत हो। कोरोना नोवेल कोरोना वायरस जो भारत में आई है, ये डिटेक्ट 3 केस का ही हुआ था, तो ये लोग भ्रांति में ना आए। अभी मैं दिल्ली भी था और आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक जिसमें जो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और अन्य विभागों के मंत्रियों के साथ संयुक्त रूप से एक बैठक की थी, जिसमें लगभग 2.5 घंटे तक बैठक चला था और कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जानकारी होना, अवेयरनेस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। हम लोग उसके बारे में अगर जागृत हैं तो कोरोना कुछ भी नहीं है। भारत ने ये बहुत बड़ा कार्य किया है कि कोरोना जिस दिन से प्रारंभ हुआ है और भारत में अभी तक के कोरोना का कोई प्रसार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कार्य भारत सरकार ने किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। भागलपुर के मसाक्षक दुर्गावाड़ी प्रांगण में जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा शताब्दी द्वार का शिलान्यास किया गया। जिलाधिकारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नारियल फोड़कर शिलान्यास पूजन किया और ईंट रखकर शताब्दी द्वार की नींव डाली। डीएम ने दुर्गावाड़ी पूजा समिति के सदस्यों को शुभकामना देते हुए कहा कि इस स्थान पर आने के बाद विशेष ऊर्जा की अनुभूति होती है, साथ ही उन्होंने कहा कि यहां से ऐसा जुड़ाव हो गया है कि कभी भागलपुर से स्थानांतरण होने के बाद भी यहां आना चाहूंगा। इस दौरान डॉक्टर सोमेन चटर्जी ने डीएम का माल्यार्पण एवं बुके देकर स्वागत किया। डॉक्टर चटर्जी ने कहा कि शताब्दी द्वार निर्माण दुर्गावाड़ी के 100 वर्ष पूरे होने पर किया जा रहा है।
इस मौके पर सुब्रत मोइत्रा, जयंत घोष, उत्तम देवनाथ, राजीव बनर्जी, अजय कुमार, तापसी मुखर्जी, अनीता दास समेत काफी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं मौजूद थीं। भागलपुर में होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सोमवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर होलिका जलाने को लेकर सम्मत तैयार किया गया। लकड़ियां, गौकाष्ठ समेत कई वस्तुओं से तैयार किए गए होलिका की महिलाओं ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और कच्चा धागा लपेटकर होलिका की परिक्रमा की। होलिका दहन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। ऐसी मान्यता है कि होलिका जलाने से सारी बुराई नष्ट हो जाती है। लोगों ने आपसी सद्भाव एवं सुख शांति से होली मनाने की कामना की। वहीं महिलाओं ने कहा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की पूजा की जाती है और बुराई पर अच्छाई की कामना की जाती है। वहीं देर शाम शहर में बनाए गए सभी सम्मत को जलाया गया और होलिका दहन पर लोगों ने खुशियां मनाई। ये पूजा हम लोग होलिका दहन से पहले करते हैं, इसको ठुल्ली होली भी कहते हैं। पहले यहाँ पूजा करते हैं, उसके बाद ही घर जाके कुछ खाना वाना खाते हैं, फिर रात में होलिका दहन करते हैं और ये इसको डांडा की पूजा भी कहते हैं। भागलपुर के मड़वाली पाठशाला प्रांगण में मड़वाली युवा मंच की ओर से 59वें मित्र वसंत गोष्ठी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन का उद्घाटन महापौर सीमा शाह, उपमहापौर राजेश वर्मा, मंच के अध्यक्ष अश्वनी जोशी मोंटी एवं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शंभू खेतान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन के पूर्व कविवर रमेश चंद्र मिश्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। वहीं अतिथियों का स्वागत जगदीश चंद्र मिश्र ने किया। इस दौरान जबलपुर के सुदीप मेहता, देवास के शशिकांत यादव, इंदौर की सुश्री भुवन मोहिनी, इटावा की योगिता चौहान, मुंबई के सुरेश मिश्रा, इंदौर के अमन अक्षर, दिल्ली के अरुण जेमनी एवं बारा से आए मशहूर कवि सुरेंद्र यादव ने अपने काव्य पाठ से श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। वसंतोत्सव पर आयोजित कवि सम्मेलन में होली, नारी सशक्तिकरण, देश प्रेम, हास्य व्यंग, श्रृंगार रस एवं भारतीय राजनीति पर आधारित काव्य पाठ सुनकर लोग लोटपोट होते रहे। सम्मेलन के दौरान पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा और आयोजक के साथ शहरवासी एवं अतिथि भी बसंत महोत्सव का आनंद लेते दिखे। इस मौके पर संयोजक पंकज बजाज, नितिन भुवानिया, पूर्व मेयर दीपक भुवानिया, डॉक्टर प्रीति शेखर समेत शहर के बुद्धिजीवी, समाजसेवी एवं काफी संख्या में श्रोता मौजूद थे। 70, 80 एवं 90 के दशक के पूर्व क्रिकेटरों को एक मंच पर लाने के लिए और क्रिकेट के प्रति युवाओं में उत्साह जगाने को लेकर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 2 दिवसीय वेटरन्स क्रिकेट कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें टूर्नामेंट का फाइनल मैच लाला अमरनाथ एवं गुंडप्पा विश्वनाथ की टीम के बीच खेला गया। फाइनल मुकाबले में लाला अमरनाथ की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में 7 विकेट खोकर 64 रन बनाए, जबकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुंडप्पा विश्वनाथ की टीम निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 57 रन बनाकर 7 रनों से मैच हार गई। चैंपियन बनी लाला अमरनाथ की टीम को मुख्य अतिथि भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राम कुमार मिश्रा ने विजय ट्रॉफी देकर बधाई दी, जबकि गुंडप्पा विश्वनाथ की टीम को पूर्व क्रिकेटर सुधा झा ने उप विजेता की ट्रॉफी प्रदान की। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लाला अमरनाथ के सुबोध सिंह को मिला, जबकि टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए देवी शंकर को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। इसके पूर्व टूर्नामेंट की शुरुआत शनिवार को लाला अमरनाथ एवं बीनू माकंड टीम के बीच खेले गए मैच से हुई, जिसमें लाला अमरनाथ की टीम विजयी रही, जबकि दूसरा मैच कपिल देव 11 एवं सुनील गावस्कर 11 के बीच खेला गया। तीसरा मैच गुंडप्पा विश्वनाथ और फारूक इंजीनियर टीम के बीच खेला गया, जिसमें गुंडप्पा विश्वनाथ की टीम विजयी रही। टूर्नामेंट में 2 टॉप स्कोरर टीम बनने के कारण लाला अमरनाथ और गुंडप्पा विश्वनाथ की टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ हुआ। इस मौके पर मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के सहायक निदेशक अक्षय श्रीवास्तव ने कहा कि यह एक बेहतर पहल है और नियमित अंतराल पर टूर्नामेंट का आयोजन होना चाहिए। मौके पर काफी संख्या में वेटरन्स क्रिकेटर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुभकामना छे होली के अवसर पर अंगवासियों का और पूरा देशवासियों का कि ये अवसर पर हमरा सनी अभी के मिली जुली के आवो होली का दहन करो। अपनो भीतर में जे आसुरी व्यक्ति छे, जे राक्षस वाला वृत्ति छे, ओकरा जलावो, प्यार की बात करो, प्यार से मिलो, एक दूसरा की गले मिलो, वहाँ खा, एक दूसरा का अबीर लगावो, सब कुछ भूली के होली के रंग में रंगी जा
और होली के एक महान पर्व है और एक मस्ती में सब डूबी जाए। होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। होली रंगीन त्यौहार है, यहाँ दिल रंगीन होते हैं, शरीर रंगीन होता है और आप पर एक खुमार सा छाता है, लेकिन इस खुमार के बहकावे में ना आएंगे, अभद्रता नहीं करेंगे, शालीनता से रंग खेलिए, सूखे अबीरों से ज़्यादा खेलने की कोशिश करिए, पानी का अकाल है, ज़्यादा पानी मत भिंगाइए, लेकिन साल में एक दिन थोड़ा बहुत तो पानी खर्च चलता है बंधु। दूसरों में सौहार्दपूर्ण वातावरण है, मैं कहूँगा कि आप लोग होली मनाइए, जो रंग न लेना चाहें उनको प्रेम से आप तिलक लगा सकते हैं, वो भी ना करना चाहें आप नमस्कार कर लीजिए, उनको होली की शुभकामनाएं दे दीजिए। होली के शुभ अवसर पर हम अपने सारे मित्र और अपने डॉक्टरजन और अपने जितने भी समुदाय के लोग हैं तो उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये सामाजिक सद्भाव का एक बड़ा ही अच्छा मौका है जिसमें हम एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और हो नहीं जाते हैं बल्कि इसमें सारी जितनी भी जो दूरियां हैं वो सब दूरियां किनारे होकर हम सब एक दूसरे के। होली हंसी खुशी रंगों का त्यौहार है, जिस तरह से सब लोग परंपरागत ढंग से सब लोग मनाते हैं वो इसी तरह से मनाना है। इस बार कोरोना का प्रकोप है तो ज़्यादा शारीरिक होली कम मनावे, रंग गुलाल दूर से ही फेंकें और हंसी बजाओ का भगवान का ही आनंद लें। शिवनारायण मेडिकल डेंटल क्लिनिक की ओर से मैं डॉक्टर अभिषेक सिन्हा नगर के सभी वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। इस होली के अवसर पर अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, लोभ लालच ईर्ष्या, इस सब का होलिका दहन में इसको दहन किया जाए और सामाजिक सौहार्द हमारे बीच बना रहे, प्रेम भाव बना रहे। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और होली के दिन मस्त रहिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं नगर के सारे लोगों को है। मैं डॉक्टर सनातन कुमार पूरे बिहार वासियों को इस होली के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि सौहार्दपूर्ण तरीके से होली को मनाएं और कोरोना वायरस से अपने आप को बचा के रखें। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से होली के शुभकामनाएँ, लेकिन इस बार का होली आप सावधानी से बरतें क्योंकि कोरोना वायरस का अटैक हो चुका है और यदि आप इसको बहुत गले मिलकर आप करेंगे तो यह दूसरे को फैल सकता है और किसके पास कोरोना वायरस का कीटाणु है कोई नहीं जानता है, इसीलिए दूर से पिचकारी वाला होली खेल सकते हैं लेकिन गले मिलना इसमें अवॉइड करिए। एक बार पुनः सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं होली के शुभ अवसर पर अपने देशवासियों को खास करके अंगजन प्रदेश के सभी नागरिकों को हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूँ तथा उनसे आशा करता हूँ कि इस होली के महान पर्व को आपसी भाईचारे के रूप में मनावे तथा इसे उस प्रकार से देखें जिससे कि हमारे आने वाले भविष्य के सभी आदमी आपके ऊपर किए गए कार्यों के ऊपर गौरव महसूस करें। मैं ललन कुमार कंसेप्ट ऑफिस की ओर से अपने समाज के तथा देशवासियों के और अपने छात्र छात्राओं को होली का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही मैं संदेश देना चाहता हूं कि होली जैसे त्यौहार में हम सभी भाई बंधु को मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाना चाहिए और रंग गुलाल इस प्रकार से उड़ाया जाए कि इससे किसी को कोई क्षति ना पहुंचे। मैं सभी देशवासियों को और खास करके बिहार वासियों को होली की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और होली का त्यौहार जो है वो प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ मनाया जाए और रंगों का त्यौहार है और सबके जीवन में रंग और उल्लास से भर जाए, यही चाहता हूँ। भागलपुर शहर के वासियों एवं व्यवसायियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। उम्मीद है कि आपके जीवन में होली के सातों रंग का निखार आए एवं आप सुखी एवं समृद्ध हो। मैं बबलू टुडू मोक्षापति सांगा पंचायत के तरफ से अपने प्रखंड वासियों को होली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं वेंकटेश प्रखंड परियोजना प्रबंधक बौसी की तरफ से पूरे प्रखंड की सभी दीदियों एवं प्रखंड के सभी निवासियों को होली की अत्यंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही यह अपील करना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत बनाने में हर नागरिक अपने घर में शौचालय का निर्माण करवाए तथा शौचालय का पूर्ण उपयोग करें, जहाँ सोच वहीं शौचालय। रंगों का त्यौहार होली के शुभ अवसर पर तमाम क्षेत्रवासियों एवं जदयू परिवार को मीडिया सेल संयोजक
प्रदीप कुमार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। होली की शुभकामना देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे व्यवसायी अब चीन के साथ व्यापार न करें। चीन के साथ व्यापार करने से हमारे देश को भी नुकसान हो रहा है और हमारी जनता को भी नुकसान हो रहा है। मैं परीक्षित पासवान थाना अध्यक्ष बाराहाट की ओर से समस्त देशवासियों को रंगों का त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं निर्मल कुमार यादव पैक्स अध्यक्ष अंगारू जबरा पंचायत की ओर से समस्त ग्रामवासियों को रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं संजय यादव पैक्स अध्यक्ष गोकुला पंचायत की ओर से समस्त बांकावासियों को रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं संतोष कुमार शाह उपमुखिया ग्राम पंचायत बोडा पाठक डीहा की ओर से सन्हौला प्रखंड एवं पंचायत वासियों को रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं जितेंद्र कुमार प्रधानाध्यापक राष्ट्रीय मध्य विद्यालय सनोखर हाट की ओर से सभी क्षेत्र वासियों एवं शिक्षक परिवार को रंगों का त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर मोहबुल्ला प्रखंड भाजपा अल्पसंख्यक अध्यक्ष सन्हौला की ओर से समस्त देशवासियों को रंगों का त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं संतोष कुमार भगत उपमुखिया ग्राम पंचायत सिरहन खजुरिया सन्हौला की ओर से समस्त भागलपुर वासियों एवं देशवासियों को रंगों का त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि यह त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। रंगों का ये त्यौहार नाथनगर भागलपुर पूरे बिहार और भारत के सभी धर्म संभाव जाति जमात के लोगों के घरों में खुशियाँ लाए। सबों के जीवन में रंग का ये त्यौहार किसी प्रकार की कमी ना आने दे, आपसी एकता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा दे। मैं सबों को युवा चेतना परिवार एवं राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से संपूर्ण भागलपुर बिहार और देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव होली इस पावन पर्व पर संपूर्ण जिलावासियों एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। नाथनगर प्रखंड वासियों एवं रनीचक मकनपुर पंचायत के समस्त जनता को होली के शुभ अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना राय की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई-लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल CBSE कॉरिकुलम नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV। चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाथनगर नूरपुर स्थित युवा चेतना क्लब में क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार आलोक के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान सभी सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर लगाकर गले मिले और होली की बधाई दी। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने बताया कि होली आपसी एकता और सौहार्द का त्यौहार है और इस भावना को बढ़ावा देने के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। मौके पर अजय, बिट्टू, संतोष, त्रिपुरारी कुमार समेत युवा चेतना क्लब के कई सदस्य मौजूद थे। रंगों का ये त्यौहार नाथनगर भागलपुर पूरे बिहार और भारत के सभी धर्म संभाव जाति जमात के लोगों के घरों में खुशियां लाए। सबों के जीवन में
रंग का ये त्यौहार किसी प्रकार की कमी ना आने दे, आपसी एकता और सौहार्द की भावनाओं को बढ़ावा दे। मैं सबों को युवा चेतना परिवार एवं राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से संपूर्ण भागलपुर बिहार और देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी खुश रहें, सौहार्द का वातावरण रहे, आपसी भाईचारे की भावना रहे और राजद परिवार के सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि वह एक सद्भावना का संदेश दे, भाईचारे का संदेश दे, मिलजुल करके समाज में एकता कायम करे और खुशियां बांटे। रंगों का त्यौहार होली के अवसर पर सोमवार को भागलपुर के सनौला स्थित तलहुंदा पंचायत में परंपरागत रूप से होली मनाई गई। इस दौरान ग्रामीणों ने आपस में मिलकर एक दूसरे को होली की बधाई दी और पुराने रीति रिवाज के अनुसार ढोल मंजीरा के साथ फागुन गाया। फागुन गीत का जहां ग्रामीणों ने जमकर आनंद लिया, वहीं पूरा गांव होली के देसी रंग में रंगा दिखा। इस मौके पर पूर्व वार्ड सदस्य पंकज मिश्रा, मधुसूदन मिश्रा, बमबम मिश्रा एवं श्रीधर मिश्रा समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बांका जिला के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत महौता गाँव में सोमवार की सुबह जमकर गोलीबारी हुई। दो पक्षों के बीच सैकड़ों राउंड गोली चली जिसमें चार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल संजीव शर्मा, बीएसएफ जवान मुकेश शर्मा, राजीव ठाकुर एवं प्रियरंजन ठाकुर का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में कराया जा रहा है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि महौता गांव में परमानंद ठाकुर एवं अवध किशोर शर्मा के बीच जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था। सोमवार को दोनों पक्षों की ओर से खुलेआम गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। अंधाधुंध गोली चलने के बाद गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी पुलिस बलों के साथ महौता गांव पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने कहा कि पुलिस किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए तत्पर है, साथ ही पुलिस द्वारा महौता गांव में कैंप लगाकर निगरानी की जा रही है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पहुंचे मंत्री चौबे ने ऑपरेशन शिविर का किया निरीक्षण, कहा कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार है गंभीर। भागलपुर दुर्गावाड़ी शताब्दी द्वार का जिलाधिकारी ने किया शिलान्यास, कहा देवी की महिमा से हैं प्रभावित। होली को लेकर अंग प्रदेश के लोगों में दिख रहा है खासा उत्साह, होलिका दहन के पूर्व महिलाओं ने की परिक्रमा। मालवाड़ी युवा मंच की ओर से मित्र वसंत गोष्ठी का हुआ आयोजन, देश के विभिन्न राज्यों से आए कवियों ने लोगों को खूब गुदगुदाया। और दो दिवसीय वेटरन्स क्रिकेट कप टूर्नामेंट में लाला अमरनाथ की टीम ने खिताब पर जमाया कब्जा, पूर्व क्रिकेटरों ने युवाओं का बढ़ाया मनोबल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।